नमस्कार, एमकेएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी पांडे। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के देहरादून में धामी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। इस बैठक के बारे में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में कुछ फैसलों के लिए गए हैं, जिन्हें वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों का अधिकार वित्त विभाग के अधीन ही होंगे। दंगों और अशांति वाले मामलों में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता। आज की जो कैबिनेट के कुछ मुख्य एजेंडाज हैं जो आपके समक्ष रख रहे हैं, एक तो वित्त विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों पर कार्यरत कार्मिकों का प्रशासकीय नियंत्रण वित्त विभाग के अधीन विभागीय लेखा को प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024, संपत्ति के संबंध में हड़ताल, बंद, दंगों संबंधी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और उसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने, लोक या निजी संपत्ति की क्षति की वसूली का उपबंध करने और क्षतियों का अनुसंधान करने, तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्मित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा ये क्षतिपूर्ति डिसाइड की जाएगी। यानी जो भी अगर कोई सरकारी या निजी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करता है, अगर किसी बंद या हड़ताल या दंगे में, तो उससे वो पूरा वसूली किया जाएगा। उसके लिए ये